हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ। पास्कल वही साइंटिस्ट है जिसके नाम पर प्रेशर की ऐसा यूनिट है, 1 पास्कल = 1 न्यूटन/मीटर स्क्वायर। तो पास्कल्स लॉ क्या है? पास्कल अंकल ने हमें लॉ दिया था अबाउट प्रेशर इन लिक्विड। उनके लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड अ फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे प्रेशर एक्ट्स equally in all directions। Now what do we mean by this statement? ये statement क्या बोल रहा है हमें? Pressure at a point inside a fluid acts equally in all directions। Pressure का direction तो होता नहीं है, क्योंकि pressure कैसी quantity है? Scalar quantity है। So what do we mean by pressure acting in directions? Pressure vector quantity नहीं है, pressure scalar quantity है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि pressure is acting in all directions, क्योंकि vector के पास तो एक ही direction होगा। All directions का यहां meaning क्या है समझिए। अगर मैं एक container लूं जिसके अंदर कोई liquid भर देता हूं, मान लेते हैं पानी भर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा फ्लूइड भरते हो आप। इस फ्लूइड के अंदर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, ये वाला पॉइंट, मान लेते हैं इसको ए, इस पॉइंट का नाम ए दे दिया हमने। तो अगर मैं इस पॉइंट पर कोई भी सरफेस कंसीडर करूं, चाहे वो सरफेस इस तरीके से हो, चाहे इस तरीके से हो, चाहे इस तरीके से हो, मतलब इसके इधर हो, ऊपर हो, नीचे हो, टेढ़ा हो, कैसे भी हो, कुछ सरफेसेस ड्रॉ कर लेते हैं। एक ऐसा सरफेस ले लिया, एक ऐसा सरफेस ले लिया, एक ऐसा सरफेस ले लिया। इन सभी सरफेसेस पे जो फोर्स लगेगा नॉर्मल डायरेक्शन में, इस सरफेस पे इधर लगेगा, इस सरफेस पे इधर लगेगा, इस सरफेस पे इधर लगेगा। इस पॉइंट ए पर नॉर्मल डायरेक्शन में अलग अलग सरफेसेस के ऊपर जो फोर्स लगाया जाएगा इस लिक्विड के द्वारा, दैट फोर्स डिवाइडेड बाय दीज सरफेस एरियाज विल बी सेम फॉर ऑल दीज सरफेसेस। आप यहां पर कोई भी सरफेस ड्रॉ कर लीजिए, उस सरफेस पे जो फोर्स निकाला उस फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट एवरी टाइम, नो मैटर इन विच ओरिएंटेशन योर सरफेस बिलोंग्स। आपका जो सरफेस है वो किस ओरिएंटेशन में है, कैसे रखा हुआ, इससे मतलब नहीं है। अगर वो पॉइंट ए पर रखा हुआ है सरफेस, तो उस पॉइंट ए पर प्रेशर हर सरफेस पे सेम आएगा, इक्वल आएगा। दूसरा स्टेटमेंट पास्कल्स लॉ का क्या है? इफ प्रेशर inside a fluid at a point is increased की जगह decreased भी चलेगा, then same change in pressure, कौन सा चेंज, जितना हमने प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज किया है एक पॉइंट पर, इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द एंटायर फ्लूइड। क्या कह रहा है? फ्लूइड के अंदर By some mechanism,
बाय सम मेथड, अगर आप किसी एक पॉइंट पर प्रेशर चेंज कर देते हो, तो जितने अमाउंट से आपने प्रेशर उस एक पॉइंट पर चेंज किया है, उतना ही चेंज उस फ्लूइड के अंदर हर पॉइंट के प्रेशर में आ जाए, हर पॉइंट पे प्रेशर विल चेंज बाय द सेम अमाउंट। ये पास्कल्स लॉ का शायद मेन स्टेटमेंट है, ज्यादातर बुक्स में आपको सिर्फ इतना ही लिखा रहेगा पास्कल्स लॉ, बट ये स्टेटमेंट जो है इट कैन बी डिराइव फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। हम वो डेरिवेशन नहीं देखेंगे, पर ये स्टेटमेंट का यूज करके, इस फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करके आप सेकंड स्टेटमेंट डिराइव कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप बुक्स में हमेशा ये सेकंड स्टेटमेंट ही देखोगे मोस्ट ऑफ द बुक्स में। तो व्हाट एवर बी द केस, हमारा पास्कल्स लॉ अगर आपको एग्जाम में लिखना हुआ तो क्या लिखोगे, ये सेकंड स्टेटमेंट, द प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड एट अ पॉइंट इज इंक्रीज्ड, अगर किसी एक पॉइंट पर प्रेशर इंक्रीज करते हो, देन सेम चेंज इन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द एंटायर फ्लूइड। मतलब अगर मैंने एक कंटेनर ले लिया, उसके अंदर एक पॉइंट ए ले लिया फ्लूइड के अंदर, तो अगर मैं इस पॉइंट ए पर प्रेशर किसी तरीके से चेंज कर दूं बाय सम मेथड, देन जितना मैंने यहां पे प्रेशर चेंज किया है, उतना ही प्रेशर यहां पे भी चेंज हो जाएगा, 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 हर पॉइंट पे सेम अमाउंट से प्रेशर चेंज होगा। इसको समझने के लिए या इसको प्रैक्टिकल में देखने के लिए हम लोगों ने एक इलस्ट्रेशन लिया है। ये डायग्राम क्या कह रहा है, आपके पास एक स्फेरिकल बॉल है, उस स्फेरिकल बॉल के अंदर आपने कोई लिक्विड भर दिया, सबसे सस्ता भर देते हैं, पानी भर देते हैं, स्फेरिकल बॉल के अंदर आपने कोई लिक्विड भर दिया और आपने उस स्फेरिकल बॉल में खूब सारे होल्स कर दिए अलग अलग जगहों पर, कोई यहां कोई ऊपर कोई नीचे, अलग अलग जगहों पर खूब सारे होल कर दिए। इन सारे होल्स के पास में आपने एक एक मशीन अप्लाई लगा दी है। ये मशीन क्या करती है, इट मेजर्स प्रेशर। होल से आपका लिक्विड बाहर नहीं आ सकता, वहां पे आपने एक ढक्कन लगा के या किसी तरीके से कोई मशीन फिट कर दी जिसके कारण लिक्विड बाहर नहीं आ सकता, बट ये मशीन इन सारी जगहों पे प्रेशर मेजर कर सकती है। एक होल स्पेशल है जिसमें हमने एक पिस्टन लगाया। अगर मैं इस पिस्टन को पुश करूं, पिस्टन तो आप समझते ही होंगे, इंजेक्शन में देखा होगा आपने, अगर हम इस पिस्टन को पुश करें तो क्या होगा, हम यहां पर फोर्स अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से इन सारी जगहों, इस जगह पर एक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। फोर्स बाय एरिया, जितना फोर्स हमने अप्लाई किया उतना फोर्स डिवाइडेड बाय दिस एरिया ऑफ द पिस्टन, इतने प्रेशर से इतना प्रेशर हम इंक्रीज कर देंगे इस पॉइंट पर। एंड बाय पास्कल्स लॉ, इफ प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड एट अ पॉइंट इज इंक्रीज्ड, किसी एक पॉइंट पे अगर हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, देन सेम चेंज इन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द एंटायर फ्लूइड। तो हमने जितना प्रेशर यहां अप्लाई किया होगा, यू विल नोटिस ये सारी की सारी मशीन्स जो अलग अलग लोकेशन पे लगी थी, All of these machines will read same change in pressure. यहां आपके force apply करने के पहले machines pressure measure कर रही थी, मान लीजिए ये initial pressure P1 measure कर रही थी, और आपके force apply करने के बाद यहां pressure का measurement आ गया, मान लेते हैं P1 dash. तो ये जो P1 dash minus P1 हुआ, ये change in pressure हुआ, ये change in pressure इन सारी जगहों पर इक्वल होगा, और वो यहां पर आपने जो प्रेशर अप्लाई किया है उसके भी इक्वल होगा। सो इफ प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड एट अ पॉइंट इज इंक्रीज्ड, देन सेम चेंज इन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द एंटायर फ्लूइड। ये आपके पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट है, उसके अंडरस्टैंड आई होप आपने समझ भी लिया, और ये इलस्ट्रेशन भी आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर पास्कल्स लॉ प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। थैंक यू।